प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स। जैसा कि पिछले वीडियोज में हम बताए हैं कि हम लोग फिजिक्स कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग समझेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, किसको हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, तब जाकर हम लोग एरो देंगे। अभी एरो नहीं देना है, अभी समझना है कि किसको आखिर हम लोग क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग को ये बात क्लियर करना होगा कि इसके पहले हम लोग जैसे ये भी पढ़े हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग को ऐसा चार प्रतिरोध को आपस में जोड़ना होता है चतुर्भुज के आकार में। मतलब आप लोग चतुर्भुज तो पढ़े होंगे जिसकी चार भुजाएं होती है। मैंने ये चार भुजा ले लिया, ये चार भुजा है और चारों प्रतिरोध के फॉर्म में जोड़ना है। प्रतिरोध का मतलब बीच में ऐसा साइन होता है प्रतिरोध का, ये साइन हो गया प्रतिरोध का। तो चार प्रतिरोध को एक रेक्टेंगल, एक चतुर्भुज या आयत जो भी बोल सकते हैं, वैसा फॉर्म में चारों प्रतिरोध को कनेक्ट करना है। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक का प्रतिरोध P है, दूसरे का Q है, तीसरे का R है और चौथे का S है। यानी कि ये चार प्रतिरोध है जिसका नाम है P, Q, R और S। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर भी आपको बनाना है। अगर सवाल में आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है तो उसका डेफिनेशन लिखने के बाद उसका फिगर मस्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले चार जो प्रतिरोध है उसको चतुर्भुज के रूप में इस तरह से जोड़ना है कि एक चतुर्भुज बने और जो भी दो समूह भुजा, समूह का मतलब होता है आमने सामने की भुजा, यानी कि आप इसके सामने ये दिख रहा है या फिर इसके सामने ये दिख रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे इसका इसका दोनों सम्मुख भुजा हो गया। हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि ए की सम्मुख भुजा सम्मुख कोण क्या है, तो ए का सम्मुख कोण सी हो गया। अगर ए बी का सम्मुख भुजा सी डी, बी सी का सम्मुख भुजा ए डी, राइट। यानी सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो हमको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते समय एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी एंगल का, किसी भी कोण का समूह कोण के साथ एक सेल जोड़ना है, एक बैटरी जोड़ना है। जैसे अगर आपकी इच्छा होगा कि ए और सी के साथ एक बैटरी जोड़ने का, तो आप ए और सी के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो डी और बी के साथ एक बैटरी जोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहां से एक ए पॉइंट एक सी पॉइंट से दोनों तरफ एक सेल जोड़ने वाले हैं, मतलब कि एक यहां और एक यहां, दो एक छोर था जिससे हम लोग एक बैटरी जोड़ दिए, यानी कि यहां हो गया बैटरी। आप यहां देख रहे हैं ये बैटरी हो गया ए प्लस ए माइनस। अगर इसके बाद इधर स्विच वगैरह की वगैरह जोड़ दीजिए ताकि ये पता चले कि हम लोग यहां से एक विद्युत परिपथ का भी काम कर रहा है। और बाकी जो दो सम्मुख कोण है, यानी कि ऐसा कोई कंफर्म नहीं, आपको समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ना ए और सी के साथ ही बैटरी को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बताता है कि चार प्रतिरोध लीजिए और उसको एक चतुर्भुज के फॉर्म में कनेक्ट कीजिए और किसी भी आमने सामने सम्मुख कोण को एक बैटरी जोड़िए और बाकी जो दो कोण सम्मुख कोण बचेगा उसमें आपको गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। एक गैल्वेनोमीटर मशीन है, उसको जोड़ दिया जाता है। और फिर यहां भी एक कुंजी हम लोग लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, यदि चार प्रतिरोधों को
एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर समुख बिंदुओं के एक जोड़े के बीच एक गैल्वेनोमीटर, एक जोड़े के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो समुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाए तो इस प्रबंध को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। चलिए तो फर्स्ट एरो देखकर तो हम लोग लिख लिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, समझ भी लिए कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके नीचे एक ये फिगर बना देना है, जो फर्स्ट एरो दिए हैं उसके नीचे ये फिगर हो जाएगा। अच्छा, एक आपको सेकेंड एरो लिखना है, मतलब कि फर्स्ट एरो हो गया, उसके नीचे ये फिगर डालना है और फिगर के नीचे एक बात लिखना है, वो क्या है। अब इसमें एक जो प्रतिरोध होता है, उस व्हीटस्टोन ब्रिज जब हमारे हमसे कोई पूछेगा तो दो सिचुएशन, एक तो बोलेगा कि क्या है उसके बारे में समझाइए बताइए, तो दैट इज एनफ। एक और चीज बोलेगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। बहुत बढ़िया, अब हम लोग यहां समझेंगे कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, दोस्तों आपको याद रखना होगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक बोल सकते हैं कि उसके लिए एक कंडीशन होता है, शर्त होता है, यानी कि ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं पी और क्यू, यानी कि गैल्वेनोमीटर के दोनों छोर, गैल्वेनोमीटर के एक इधर और एक इधर, इसका अपना प्रतिरोध क्या है पी, इसका अपना प्रतिरोध क्या है क्यू। अब हमसे अगर कोई पूछेगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या शर्त है या फिर उससे आप क्या समझते हैं बताइए, तो उसमें हम यही लिखेंगे कि जो भी गैल्वेनोमीटर के दोनों ओर का जो प्रतिरोध है उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो फार्मूला होता है पी बटा क्यू, पी अपॉन क्यू R अपॉन S, एक शर्त होता है। यानी कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा वो ये है कि अगर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर, कोई कंफर्म नहीं कि गैल्वेनोमीटर B और D ही से जुड़ सकता है, वो A और C से भी जुड़ सकता है, तो बी और डी से जैसे ही हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे तो एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग दोनों का रेशियो, यानी कि पी और क्यू का रेशियो, आर और एस का रेशियो इक्वल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो ये आपको नोट करना है उसके नीचे, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज अ टॉपिक। फर्स्ट में हम लोग डेफिनेशन लिखे, फिर फिगर और फिर उसके नीचे ये चीज, फिर आगे देखते हैं। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जो हम लोग को टॉपिक्स है वो है विभव मापी, यानी कि उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो चलिए टॉपिक लेंगे विभव मापी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वैसा कोई मामला है नहीं कि उसका अलग होता है। व्हीटस्टोन जो ब्रिज पढ़े भी पीछे उसको इंग्लिश में भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहते हैं। चलिए अब विभव मापी क्या है,
इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि प्यारे छात्रों, हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, सेम वो भी है। यानी कि ये भी एक मशीन है जिससे हम लोग विभव को मेजर करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया विभव मापी। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये विभव मापी क्या है, तो हम लोग विभव तो पहले पढ़ चुके हैं। विभव इसको दो पार्ट में बांटिए, विभव को मापना विभव मापी कहलाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में, अगर विभव को मापने का कोई भी उपकरण है, कोई भी यंत्र है, कोई भी मशीन है, वो क्या है? विभव मापी। यानी कि विभव मापी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, वो विभव को मापने के लिए मेजर करते हैं, विभव को मेजर करते हैं, मापने का एक उपकरण है, राइट। चलिए चलिए, इसमें फर्स्ट एरो लिखे, फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सर्किट है, जैसे मान लिया कि एक सर्किट है, यहां पे बल्ब ग्लो हो रहा है, एक सर्किट है, इसमें एक सेल है, बैटरी लगा हुआ है, एक कुंजी है, प्लग है, स्विच जिसको बोलते हैं, स्विच है। अब इस सर्किट में मान लिया कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इसके बीच का जो भी पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट का विभव जिसको बोलते हैं वी ए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, अगर दोनों बिंदुओं के बीच, अगर ऐसा कोई डिवाइस जो दोनों बिंदुओं के बीच विभव को मेजर करेगा, विभव को नापेगा, मापेगा, वो क्या कहलाता है? विभव मापी। यानी कि हम इसमें ये समझें कि विभव मापी एक डिवाइस है, एक उपकरण है, एक मशीन है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम लोग विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं का विभव को मापा जाता है, मापते हैं, दैट इज विभव मापी कहलाता है। फिर सेकेंड एरो लिखेंगे। अच्छा, फर्स्ट एरो के नीचे ये फिगर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, दैट इज डोंट माइंड, कोई जरूरी नहीं है। अब सेकेंड एरो देंगे, सेकेंड एरो इसमें लिखेंगे अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए विभवांतर का प्रयोग किया जाता है, विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। हो गया। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, थर्ड एरो इस टॉपिक का। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा या प्रतिरोध का भी मापन किया जाता है, चलिए इस एरो में हम लोग ये चीज सीखे हैं कि विभव मापी से केवल
पोटेंशियल ही नहीं मेजर किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ, यानी कि इसके साथ साथ जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में करेंट का फ्लुएशन होगा, यानी कि जब हम लोग सेल ऐड किए हैं तो यहां से आई करेंट फ्लो होगा, और इस आई करेंट के अलावा रेसिस्टेंस यानी कि ए और बी के बीच जो भी बल्ब में लगा हुआ रेसिस्टेंस है इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी कि फाइनल बात यह हुआ, सौ बात की एक बात, कि विभव मापी से हम लोग विभव को तो मापते ही मापते हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल के जोड़ने के वजह से जो करेंट प्रवाहित होता है, करेंट उत्पन्न होता है, उसको और साथ साथ उसमें जुड़ा हुआ रेसिस्टेंस प्रतिरोध को भी मापा जाता है इस डिवाइस से, इस यंत्र से जिसका नाम है विभव मापी। तो विभव मापी के बाद फिर नेक्स्ट जो है उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वोल्टमीटर, यानी कि जो विभव मापी है इसके बाद का जो टॉपिक है वो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, अब ये वोल्टमीटर क्या है? देखिए विभव मापी और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस हो सकता है? विभव मापी का मतलब ये हुआ कि विभव के साथ साथ, विभव के साथ साथ धारा, विद्युत धारा प्लस उसमें प्रतिरोध, यानी कि तीनों को मेजर कर सकता है, दैट इज विभव मापी। परंतु आप लोग जानते ही होंगे कि वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्ट विभव का भी एसआई मात्रक है और विभव अंतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही है। लेकिन वोल्ट मीटर, मीटर का मतलब फिर से मेजरमेंट, फिर से मापने वाला यंत्र, यानी कि एक डिवाइस, एक मशीन जो काम क्या करेगा, सिर्फ इस बार विभव को मेजर करेगा, यानी कि सिर्फ इस बार पोटेंशियल को ही मेजर करता है। यानी कि वोल्ट मीटर होता क्या है और इसके बारे में हम लोग डीपली आगे पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, आखिर ये वोल्ट मीटर किसी भी परिपथ में जोड़ते हैं तो कैसे मेजर करता है कि कितना वोल्ट का इस वायर से करेंट कितना वोल्ट का पास कर रहा है, उसके बारे में उसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका कार्य क्या है, उसका ढंग का फिगर क्या बनेगा, तो सब चीज के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये वोल्ट मीटर, तो अब वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर भी जो है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ विभव को मापता है, यानी कि विभव को मापने वाला यंत्र ही है वोल्ट मीटर। लेकिन अब इसमें अंतर क्या रहेगा कि वोल्ट मीटर और विभव माप दोनों में एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये कि विभव मापी की सहायता से हम लोग विभव के साथ साथ धारा और प्रतिरोध को भी माप सकते हैं, परंतु वोल्ट मीटर से केवल और केवल विभव ही मापा जाता है। तो इसमें लिखा जाए, यह वह उपकरण है, फर्स्ट एरो देकर, वोल्ट मीटर का फर्स्ट एरो, यह वह उपकरण है जिसकी सहायता से केवल और केवल विभव मापा जाता है, केवल और केवल विभव मापा जाता है। नेक्स्ट एरो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो दो एरो हम लोग सीखे वोल्टमीटर में। अब आपका ये सवाल होगा,
प्यारे छात्रों आप ये पूछ सकते हैं हमसे कि सर अगर मान लिया कि कोई सर्किट है, कोई सर्किट है और इस सर्किट में हमें, हमसे कोई दूसरा छात्र पूछे कि सर ये ए और बी पॉइंट पे हमको विभव को मेजर करना है, यानी कि विभव हमको माप कर बताइए कि कितना वोल्ट उस परिपथ के वायर से प्रवाहित हो रहा है विभव। तो अब तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि जब विभव मापना है, विभव को अगर मेजर करना है तो वोल्टमीटर लगाएं या फिर विभव मापी लगाएं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस है जो मेजर करके हमको देता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभव या विभव अंतर। चलिए तो इस सवाल का आंसर करने के लिए, इस सवाल का सटीक आंसर क्या हो सकता है कि आप किन किन केस में इसका इस्तेमाल करेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि दोनों में सब श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम, सबसे अच्छा, गुड क्वालिटी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको एक काम के लिए, जैसे विभव को मेजर करने के लिए हमारे पास दो दो चीज है, दैट इज विभव मापी है एक तरफ और एक तरफ वोल्ट मीटर है। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा कौन है, उत्तम कौन है। तो चलिए अब उसके बाद जो हम लोग टॉपिक देंगे कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे गुड क्वालिटी का कौन है और हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ये भी समझेंगे कि आखिर कोई एक गुड क्वालिटी का है तो क्यों गुड हुआ और एक क्यों बैड हुआ, यानी कि एक का क्वालिटी क्यों लो चला गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करते हैं विभव मापी की। नेक्स्ट टॉपिक है विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता एक टॉपिक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक तरफ मेरे को विभव मापी है और इसका मतलब समझ चुके हैं अभी जस्ट, और एक तरफ वोल्ट मीटर है, लेकिन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ का मतलब गुड क्वालिटी का कौन है, राइट। चलिए तो इसका फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किसी वोल्ट मीटर से जब विभवांतर मापा जाता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि दोनों से माप सकते हैं, तो फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब किसी वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है तो विक्षेप के लिए, पहले लिख लीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है विक्षेप या फिर कोई भी चीज, तो विक्षेप के लिए कुछ धारा स्वयं भी ले लेता है और विभवांतर का प्राप्त मान उसके मान से कुछ कम रह जाता है, और विभवांतर का प्राप्त मान उसके यथार्थ मान से कुछ कम रह जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वोल्ट मीटर से विभवांतर का सही मान प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट एरो में वोल्ट मीटर से विभवांतर का सही मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध का अनंत होना आवश्यक है परंतु यह संभव नहीं है। अतः वोल्ट मीटर से विभवांतर का सही मान नहीं मापा जा सकता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, उसके नेक्स्ट जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से मापा जाता है तो
शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ में, सेल के परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और इस स्थिति में, और इस स्थिति में सेल के विद्युत, सेल या विद्युत वाहक बल, सेल या विद्युत वाहक बल का सही मान, सही मान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक तरफ मेरा विभवमापी है और दूसरे तरफ वोल्टमीटर है। अब दोनों में हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन गुड क्वालिटी का है, किसका क्वालिटी हाई है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि वोल्टमीटर भी एक यंत्र है और विभवमापी भी एक यंत्र है, और दोनों जो काम करता है वो पोटेंशियल यानी कि विभव को मापने का काम करता है। ये तो क्लियर है। अब विभव को मापने का काम करता है, लेकिन अब सबसे बेस्ट कौन है? तो सबसे बेस्ट विभव मापी है, लेकिन सबसे लो क्वालिटी का कौन है? तो वोल्टमीटर है। अब इसका कारण समझेंगे। कारण यह है कि जब कभी भी हम लोग इसको सर्किट में ऐड करते हैं, जब भी परिपथ में ऐड करते हैं किसको? वोल्टमीटर को। तो जो आप लोग वोल्टमीटर या स्पीडोमीटर का जो काटा देखते हैं ना, जो हमेशा विक्षेप होता है, विक्षेप का मतलब ऐसे ऐसे करते रहता है, हिलते रहता है, यानी कि वो उसको विक्षेप बोलते हैं, यानी कि वो मेजर करता है, सबका सामने रहता है 10, 20 वोल्ट, 30, 40 ऐसे करके, और ये हमेशा विक्षेप देता है। आपको जानना चाहिए कि वोल्टमीटर जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो ये विक्षेप होता है इसमें खुद धारा का मान ऐड हो जाता है, यानी कि कुछ धारा स्वयं ही खींच लेता है, कौन? वोल्टमीटर। इसके वजह से आप खुद समझिए कि आप किसी और चीज को मेजर कर रहे हैं और आप उसका भाग खुद और रख रहे हैं, तो क्या आप सही मेजर कर रहे हैं? नहीं ना। यानी कि आप खुद कुछ सामान को तौलने बैठे हैं, और जो सामान को, जैसे मान लिया आलू टमाटर बैंगन कुछ भी तौल रहे हैं, और उसमें से आप तौलने के बजाय कुछ आप रखते जा रहे हैं, कुछ आप रखते जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो विक्षेप है उसमें जो धारा का मान है वो खुद ऐड हो रहा है, यानी किसमें ऐड हो रहा है? तो खुद अपने पास रख रहा है, विक्षेप करने में जो खर्च हो रहा है वो धारा खर्च हो रहा है उसके पास है, यानी कि यही इसमें गलती है, और यही कारण ये क्वालिटी में पिछड़ जाता है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती है। इसका मतलब ये तय हुआ कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर वोल्टमीटर को अगर लगाते हैं तो जो उसमें कांटा में विक्षेप होता है उसमें खुद धारा का मान ऐड हो जाता है, यानी कि करंट उसमें ऐड हो जाता है, इसके कारण जो है वो सही मान यथार्थ मान हमें शो नहीं करता है। अतः हमें विभव मापी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप का मतलब क्या? इसमें जो विक्षेप होता है करंट का जीरो वैल्यू अपने में ऐड करता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके विक्षेप में धारा का मान कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल खर्चीला नहीं है, लेकिन इसमें जो करंट हम लोग देते हैं अगर वोल्टमीटर ऐड करेंगे, चूंकि ये जो अपने पास करंट का वैल्यू रख लेता है और ये मान हमें सही मान का वैल्यू नहीं देता है, सही मान जितना होना चाहिए उससे कम वैल्यू देता है। सो विभव मापी इज द गुड क्वालिटी, अच्छा है, लेकिन वोल्टमीटर इसके अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वोल्टमीटर खराब है, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठता का बात है, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? विभव मापी। डन। तो आज तक की इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियोज में फिजिक्स की आगे हम लोग काम करेंगे, यानी कि श्रेष्ठ तक के बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।